अररिया के फॉरविसगंज में देह व्यापार के बड़े धंधे का उजागर हुआ है। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। शहर के पुराने बस स्टैंड के पास एक रेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसकी खबर मिलते ही ADPO रामपुकार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस तरह से रंगरलिया मनाते हुए सभी लोग रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। स्थानीय जो नागरिक हैं, संभ्रांत नागरिक के द्वारा कई स्थानों पर सूचना दी जा रही थी कि देह व्यापार होटल में किया जा रहा है। हम लोग उसका सत्यापन कर रहे थे और कई बार पुलिस की गतिविधि देखकर तो वहाँ से वो भाग गए थे, और यह शिकायत हम लोग को मिल रही है। हम लोग कल उस पर कार्रवाई किए हैं। होटल संचालक शांति, लॉज के संचालक और अन्य जो वहाँ देह व्यापार में लिप्त थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। पुलिस निरीक्षक के साथ अन्य स्थानों पर भी छापामारी की गई थी, वहाँ सफलता नहीं मिली। लेकिन फारबिसगंज में निश्चित रूप से देह व्यापार और लॉटरी, देह व्यापार का एक सामाजिक कुरीति है जिसका प्रभाव आम नागरिकों पर और पड़ता है। उसी तरह से एक लॉटरी विक्रेता जो लाखों का कमाई करता है और उसमें लाखों परिवार, जिस प्रकार से वो लाख का आमदनी एक व्यक्ति करता है, उससे लाखों परिवार प्रभावित होते हैं। रिक्शा पुलर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले अपना सारा पैसा इसमें लगा देते हैं और अपना घर भी कमाए हुए धन को घर नहीं ले जाते। यह इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है और इसका व्यापक प्रभाव है जो दिखाई नहीं पड़ता है। यह बिल्कुल समाज को खोखला कर देने वाला कारोबार है। बिहार सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा है और इसमें कई सफ़ेदपोश हैं जिनका संरक्षण प्राप्त है। वे काफ़ी गोरखधंधा से पैसा जमा कर लिए हैं। मैं उन सभी गोरखधंधों का जो अवैध इस धंधा से किया है, मैं उनके संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई कर रहा हूँ। होटल, घर और अन्य जो दुकान खोले हैं, सारा का लिस्ट मेरे पास है और मैं उन सारे संपत्ति जो अवैध लॉटरी के माध्यम से अर्जित किया गया है, मैं विद इन वन ईयर उनको प्रयास करूंगा और अपनी टीम के साथ कि उसको जब्त करें। और आप नम्र निवेदन ये है हम प्रशासन की तरफ से, हम थाना की तरफ से, कि इसमें आपको भी अगर सूचना मिलता है तो हमको सहयोग करें, क्योंकि इसका लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय जो गरीब लोग हैं, छोटे से लालच में अपने पूरे संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं और एक दो व्यक्ति जो सफ़ेदपोश हैं, तथाकथित बड़े लोग हैं, और वो अपने फायदे के लिए पूरे फारबिसगंज को झोंक रहे हैं। फारबिसगंज धीरे धीरे हब के रूप में जाने लगा है, जहाँ से गतिविधियाँ अवैध हो रही हैं, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर। हमारी पूरी टीम, हमारे थानाध्यक्ष और हमारी पूरी टीम प्रयास करेंगे कि जल्द ही जल्द पूरे सफ़ेदपोश को से लेकर के अन्य सभी को हम गिरफ्तार करें और ये जो हमारी कुरीतियाँ हैं समाज में विकसित हो रही है, उसको हम लोग खत्म करेंगे।